कोरोना संक्रमण के बाद अब बर्ड फ्लू के कहर ने प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दी। प्रदेश में 3400 के पार मृतक पक्षियों का आंकड़ा पहुंच गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही प्रभावित क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज जब शिमला मीट मार्केट में व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिमला में बर्ड फ्लू से कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पर जितना भी मांस आता है वह स्लॉटर हाउस डॉक्टरी जाँच एवं काटने के बाद ही यहाँ आता है। पहली बात तो ये है कि ये जो बर्ड्स आई हैं ये सब माइग्रेटेड बर्ड्स हैं जिनके थ्रू ये बीमारी का आंकलन किया गया है बर्ड फ्लू का। दूसरी बात ये है कि 5-10% का फ़र्क है, बाकी हमारे VPHO डॉक्टर साहब म्यूनसिपल लेबोरेटरी में हर एक बर्ड को अच्छी तरह चेक करके ही मार्केट में लाया जा रहा है, जो कि हम सेल आउट कर रहे हैं। 5-10% का फ़र्क तो पड़ा ही है जो न्यूज़ वगैरह आई हैं, बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है। सप्लाई भी पूरी आ रही है, डिमांड भी पूरी है, होटल्स वगैरह में भी जा रहा है। बड़ा अब इस बर्ड फ्लू की वजह से भी काफ़ी काम कम हो गया है, काफ़ी 25-30% फर्क पड़ गया है। लेकिन जो यहाँ पे चिकन आता है वैसे वो सारा इस स्लॉटर हाउस से आता है, वहाँ पे डॉक्टर्स है वो चेक करके ही सारा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।